मोदी जी ने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया, और भाषण मार रहे हैं बेच के रुपया कहाँ गया? उसका हिसाब भारत का नागरिक होने के नाते ओम प्रकाश राजभर मांग रहा है। जेल बनी हमारे लिए बनी है ना, जनता के लिए, आदमी के लिए बनी है, क्या दिक्कत है? हम तो नारा देते हैं, 1 ना 1000 मुकदमा लिखाओ, सच कहता रहूंगा। आपको दिखाई नहीं देता है भाई, पहला ओम प्रकाश राजभर है जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लखनऊ में जब मैं सड़क पर साइकिल से उतरा, तब उसके बाद कांग्रेस उतरी है, तब उसके बाद समाजवादी पार्टी उतरी है। अगर ये भयंकर बीमारी है तो 95% पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं जब दवाई नहीं बनी है? तो हमारा ये सरकार से सवाल है, पहले अगर कोई खड़ा हुआ है तो ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई है। पाकिस्तान ललकार रहा है, बोली नहीं आ रही है। चीन ललकार रहा है, बोली नहीं आ रही है। खाली बोली कहाँ आ रही है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से होता क्या हिंदू मुसलमान? उन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले, 2014 के पहले, कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1 साल में उन लोगों ने 1 रुपया 19 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ाया, तो ये लोग बड़ा आंदोलन किए। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, नौजवान परेशान होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। आज ये 19 दिन में लगभग 10 रुपया बढ़ा दिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बढ़ी हुई कीमत वापस लो। आपके यहाँ से पेट्रोल खरीद करके बांग्लादेश 51 रुपया बेच रहा है, आप 80 रुपया क्यों बेच रहे हैं? जब 18 रुपया 45 पैसा लागत आ रही है कच्चा तेल ले आने की, रिफाइन करने की, और GST जोड़ करके 18 रुपया 45 पैसा, तो फिर आप पेट्रोल 80 रुपया क्यों बेच रहे हो? जो नेपाल, भारत में इसी बनारस में जब जब जाड़ा शुरू होने से पहले चीन के लोग आते हैं, स्वेटर, चटाई, मोफलर बेच के जीविका चलाने वाले लोग, आज वो आंख दिखा रहा है, आज नेपाल जैसा हमको आंख दिखा रहा है। 72,000 LED लगाया, 144 करोड़ रुपया देश का लूट करके वो अवसर प्राप्त किया। 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ किया, ये अवसर है। कोरोना सब में है, खांसी, जुखाम, बुखार, सर्दी, यही ना बताते हैं लोग, यही TV में भी प्रचार कर रहे हैं लोग कि यही ऐसे बचो। जितने कारपोरेट घराने के लोग, कारोबार करने वाले सब गुजरातियों को ये अवसर है BJP के लिए। और तो और, रुपया लेके भागने वालों का अवसर गुजरातियों को, इस बात को कह रहे हैं। वो कहते हैं कुछ करते कुछ हैं, हम कहते कहते मुख्यमंत्री को थक गए, नहीं मान रहे हैं। जहां पिछली सरकार में 500 रुपए में काम होता था, आज 5,000, अब तो 10,000 हो गया। थाने में जाइए तो 10,000, और हमारे हमला करके 20 जवान शहीद कर दिए, और इनको दिखाई नहीं दे रहा। वो जो वादा किए थे कि लाल आंख करके चीन को दिखाना चाहिए, तो ये जा करके झलुआ झूल रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं। ये विदेशों में जाके करते क्या थे? सरकार अवसर, इसी कोरोना में अवसर करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दिया, विधायक खरीद लिया देश के पैसे से, लूट रहे हैं। 2014 के पहले हमारी सरकार बना दो, हम भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। सरकार बना दिए, जब शपथ ले लिया तब नारा दिया कि अब हम विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाते बनाते नहीं बना पाए, अब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर हम जब अपनी लड़ाई लड़ने के तैयार हो रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम खाली आपको राशन दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। आगे की रणनीति, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, केशरा पटेल, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामकरण कश्यप, रामधनी बिंद, 8 लोग मिलकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए।